प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास न अपना घर है और न कार। आमदनी का स्रोत वेतन और बैंक से मिलने वाला ब्याज है। उनके पास 3,02,06,000 से अधिक की संपत्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी संसदीय सीट से नामांकन के दौरान दाखिल हलफनामे में अपनी संपत्ति और आय के बारे में पूरी जानकारी दी। हलफनामे में प्रधानमंत्री ने बताया कि उनके पास कुल 52,920 रुपए नकद है। स्टेट बैंक के गांधीनगर शाखा में 73,304 रुपए, SBI के वाराणसी शाखा में केवल 7,000 रुपए, स्टेट बैंक में 2,85,60,338 रुपए की FD भी है। उन्होंने बताया है कि 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने स्नातक किया है। वर्ष 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद से परास्नातक MA किया है। उन्होंने हलफनामा में बताया है कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं है। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में भी 9,12,000 रुपए का निवेश किया हुआ है। इसके अलावा चल संपत्ति में उनके पास सोने की 4 अंगूठियां हैं, जिनका कुल वजन 45 ग्राम और कीमत 2,67,750 रुपए है। उनके ऊपर किसी प्रकार का ऋण नहीं है।